एक तरफ जहां पूरे देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोगों पर महंगाई का एक और तगड़ा झटका उनको मिला है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के तहत संचालित बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 3 से 4 रुपए की वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दर 11 नवंबर से लागू हो जाएगी, यानी कि जिस दिन 6 मैया को सुबह का अर्घ पड़ रहा होगा, बाजार में आपको सुधा दूध की कीमतों में 3 से 4 रुपए की वृद्धि दिखेगी। आपको बता दें कि इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में भी सुधा ने दूध की कीमतों में वृद्धि की थी। फरवरी में भी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि की गई थी। सुधा फुल क्रीम और स्ट्रीटेड दूध की कीमतों में एक साल के अंदर 6 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा है। एक तरफ जहां त्योहार का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को महंगाई की ताबड़तोड़ मार भी झेलनी पड़ रही है। सुधा की ओर से फिलहाल घी, दही और लस्सी की दामों में वृद्धि नहीं हुई है। उनका कहना है कि इसके साथ ही किसान और पशुपालकों के क्रय किए जाने वाले दूध की दरों में भी 2 से 3 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि के कारण दूध की दामों में वृद्धि करनी पड़ी है। इसके साथ ये भी तर्क दिया गया है कि सूखा चारा में वृद्धि होने के कारण दूध का दाम बढ़ाना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर है बिहार के लोगों के लिए कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा दूध की कीमतों में प्रति लीटर 4 रुपए का इजाफा किया है। नई दरें 11 नवंबर से बाजार में प्रभावी हो जाएगी। अब रिटेलर का मार्जिन भी 1.65 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में काम कर रहे दूध विक्रेताओं को भी 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि अब उन्हें विशेष मुआवजा देना है पशु और मत्स्य पालकों को, जिनसे उनको भी फायदा हो सके। एक पैकेट पर 6 रुपए की बढ़ोतरी देखते हुए लोगों का कहना है कि सरकार ये मनमानी कर रही है।